Yo, what's happening guys? My name is Loggy और आज हम एक बारी फिर से वॉबली लाइफ वाली दुनिया के अंदर मौजूद हैं और आज तो मैं यहाँ पर एकदम से पूरा चिल मारने वाला हूँ अपने खतरनाक वाले ड्रोन के ऊपर। और मैंने अभी देखा कि हमारे घर के ऊपर यहाँ पर फायरवर्क का वाला बटन लगा हुआ है। जरा मैं अगर एक्चुअली तेरी यार मैं ड्रोन से गिर गया और आते ही मेरे कैरेक्टर को यहाँ पर चक्कर आ गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और अगर मैं बटन दबा के देखूँ तो लेट्स गो। सुबह सुबह मैंने यहाँ पर फायरवर्क चला दिया। वैसे गाइस आई डोंट थिंक पर सुबह सुबह फायरवर्क चलाना अलाउड है, तो एक काम करते हैं इस बटन को मैं फिलहाल यहाँ पर नहीं दबाता हूँ। और मैंने अभी नोटिस किया कि चपाती भाई किधर है यार। यूजली गाइस चपाती भाई यहाँ पर घर के अंदर होते हैं। अगर मैं मैप खोल के देखूं कितने चले गए यार, चपाती भाई तो मैप के ऊपर भी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और ऑल्सो इस ड्रोन से मैं एक्चुअली गाइस कितना बढ़िया सा व्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस दूसरे मैंशन के ऊपर, और ये वाला कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और उसके अगर मैं सामने वाला देखूं तो ये वाला भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो के अंदर ना मैं यहाँ पर एक और मेंशन यहाँ पर खरीद लूं, क्योंकि बिल्कुल मेरे सामने जो मेंशन यहाँ पर बना हुआ है इससे मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इनमें से मैं एक और मेंशन ले लूं। और वैसे यार मुझे ये वाला बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। वैसे बाहर से तो लिटरली हॉन्टेड हाउस लग रहा है, लेकिन आई थिंक अंदर से बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। और इसके कमरे कितने ज्यादा यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन एनीवेज कमरों को छोड़ते हैं और फिलहाल मुझे जाकर पहले चपाती बाइक ढूंढना है। और पिछली वीडियो में गाइस आपको याद होगा कि हम यहाँ पर गए थे सामने उस माउंटेन के ऊपर, और वहां से हमें पता लगा कि एक सीक्रेट केव के अंदर एक बंदा यहाँ पर फंसा हुआ है, और वो भी आइस के अंदर। तो वो लिटरली सारा बंदा यहाँ पर पूरा फ्रोजन हो चुका है। और एक काम करते हैं, आज मुझे और चपाती भाई को वहां पर जाना है और पता करना है कि वो बंदा कौन है और उसको बचाना भी है यहाँ पे। और ये रे चपाती भाई गाड़ी, मुझे पता है भाई ये गाड़ी दोनों यही पर ही ठोक के रखी होगी। और यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉनिक शॉप बनी हुई है, यहाँ पर तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनी हुई है। ये देखो भाई सर जी टीवी भी बेच रहे हैं, भाई अपने घर के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्नीचर ले सकते हैं। और हेलो चपाती भाई आ गया ये को, भाई तूने कैसे कपड़े पहन कर रखे हैं यहाँ पर। एक मिनट भाई, अगर मैं ड्रोन कैम से देखूं अपने आप को, ए चबाया पे क्या कर रहा हूँ भाई, मैं अपने आपको ड्रोन में देख रहा हूँ, मैं तो एकदम से यहाँ पर जेम्स बॉन्ड लग रहा हूँ। ओके तो ये बंदा यहाँ का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को तो पता नहीं, लेकिन ये बंदा लिटरली बहुत ज्यादा गधा है। लिटरली आप दुकान के अंदर से कुछ भी लेके जा सकते हो और सब कुछ एकदम एब्सोल्युटली फ्री है। बाकी क्या एक जरा मैं शेल्फ से टीवी उठा के दे, अरे नहीं है भाई सारे अटैच्ड है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर भी नहीं लेकर जा सकते। ए मेरे को अपने घर के अंदर वॉशिंग मशीन लगानी, मैं कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे को बेच भी नहीं रहा, व्हाट इज दिस ब्रो। भाई माइक्रोवेव देख रहे हो कितने ज्यादा छोटे हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये देखो भाई, और सिर्फ 3 पड़े हुए हैं, लगता है इनकी डिमांड यहाँ पर ज्यादा है। ओके मेरी दूसरी बात सुन, यहाँ पर ना यहाँ साथ में एक बर्गर वाली शॉप बनी हुई है, मेरे को नहीं लगता हमने बर्गर वाली जॉब करी थी यहाँ पर, तेरे को याद है क्या? भाई मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन अभी तो हमारे पास पैसा यहाँ पर बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ पर जॉब नहीं चाहिए। चलो बर्गर निकालो, 5 रुपए का बर्गर बेच रहा टशन, देखो कैसे मार रहा है मेरे सामने। वो देखो दुकान के अंदर एक कस्टमर भी नहीं है, लेकिन डील के ऊपर 3 बंदे खड़े हैं, देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है अपग्रेड टू अ मील फॉर जस्ट $3। भाई से यार डील तो एकदम से बढ़िया वाली लगा के रखी है, तो आपको चिप्स बर्गर और एक ड्रिंक सिर्फ $3 में मिलेगी, एकदम से मस्त डील है। और ये देख कार फोर सेल भाई, खतरनाक वाली शॉप है ये देख, यहाँ पर तेरे को ना लेटेस्ट कारें मिलेंगी जो मॉन्स्टर तक एकदम पूरी कस्टमाइज है यार यहाँ पर तो। और इसके पीछे आ जाओ भाई, पीछे इसका ऑफिस बना हुआ है, पैसा लूट लेते हैं। अच्छा कुछ भी नहीं है भाई, अंदर कुछ भी नहीं है। यो मुझे भी बात करने दो चपाती भाई इससे। अबे नहीं तू बात नहीं कर सकता, यहाँ पर भिखारी लोग अलाउड नहीं। ये रहने दो भाई, और वो देख रहे हो भाई कितना बड़ा मॉन्स्टर ट्रक भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक ले लूं। एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो मेंशन है लॉगी मैं उससे कुछ ज्यादा ही बोर हो चुका हूँ, तो मेरे को एक नया मेंशन लेना, क्योंकि पैसे की टेंशन है बिल्कुल है ही नहीं, यू नो टू मच मनी है, यू नो इलन मस्क मेरे अंदर काम करता है यहाँ पर। वो तो एकदम से सही बात है भाई, मैं भी यहीं पर ही सोच रहा था कि अगली वीडियो में मैं यहाँ पर एक और मेंशन लूंगा, लेकिन भाई अगली वीडियो की प्लानिंग हम बाद में करेंगे। तो पूरी होने देना, हाँ बोलो बोलो। ये बोल रहा था कि जब अगली वीडियो के अंदर जब हम मेंशन लेंगे ना, तो उस मेंशन के हम अंदर हमें खड़ा कर रहे हैं खतरनाक वाला मॉन्स्टर ट्रक, लेट्स गो। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं और चपाती भाई यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक के साथ यहाँ पर मेंशन ले ले अगली वीडियो में, तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और चपाती भाई यहाँ पर बाय करेंगे सबसे बढ़िया वाला मेंशन। ओके करना क्या इस वाली वीडियो में बता। ओके आपको याद है ना पिछली वीडियो में जब हम माउंटेन के ऊपर गए थे, तो वहां पर हमें एक बंदा मिला था जो पूरा फ्रोजन हो गया था वहां पे, तो हमें जाकर उसको बचाना है और पता करना कि वो वहां पर कैसे फंसा। अबे कैसे फंसा, बात सिंपल है, तेरे को याद है कि वहां पर ना केव बना हुआ था, तो मे बी वो केव के अंदर गया और वो टाइम से बाहर नहीं आ पाया और वो वहीं फंस गया, वहीं फ्रीज हो गया। हो सकता है भाई, हो सकता है ऐसा। चलो एक काम करो भाई, ड्रोन का पक्का पकड़ लो और सीधा चलते हैं वहां पे। अबे कहीं मेरी उंगलियां पक्खों के अंदर ना दे दियो, क्या कर रहा है तू? ये सही आइडिया है, ये देखो सरजी का चॉपर यहाँ पर खड़ा हुआ है, काम करता है यही ले चलते हैं भाई, सेफ्टी इसी में ही है। तो बेस्ट आइडिया यही है कि यही लेके चलते हैं ऊपर माउंटेन के ऊपर, और पता एक्चुअली करते हैं कि वो बंदा
फंसा कैसे और मैं तेरे को बोल रहा हूं लॉगी पता करना है आज की वीडियो में। और मुझे ऑल्सो याद है इसी माउंटेन के पीछे एक सीक्रेट घर भी बना हुआ है। वैसे यार सीक्रेट घर तो नहीं है लेकिन भाई एकदम से सीक्रेट एरिया यहाँ पर बना हुआ है। आ जाओ भाई मैं आपको जरा ऊपर से उसका व्यू भी दिखाता हूँ। अरे वहाँ पर तूने नोटिस किया कि वहाँ पर एक सीक्रेट केव भी बना हुआ था। नीचे से देख केबल कार ऊपर जाती है, वो देख नीचे से सीढ़ियां भी आ रही है। तो काम कर, सबसे पहले नीचे जाना तेरे को, नीचे वो वाले पॉइंट के ऊपर। अरे भाई ये देखो भाई ये सीढ़ियां एक्चुअली कहाँ पर जा रही है, वो देखो भाई सीढ़ियां सीधा फॉलो कर रही है एक केव को जो बिल्कुल सामने है। और नीचे देख घर भी बना हुआ है भाई। ये तो बंदा तो स्विट्जरलैंड वाली फील ले रहा है यहाँ पर तो यार। भाई वाकई स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग है। वो देखो नीचे लॉज बना हुआ है, उसके साइड में कैरावैन भी खड़ा हुआ है और सामने बस स्टॉप भी बना है। ब्रो मेरे को इस बंदे के ऊपर ना पूरा शक हो रहा है। ये इस बंदे ने ना केबल कार लगा कर रखी है दूसरे आइलैंड के ऊपर। अब मेरे को ये जानना है कि ये बंदा दूसरे आइलैंड के ऊपर क्या करने गया है। ये देखो भाई ये सामने झाड़ियों के अंदर जो बंदा खड़ा है वो कौन है भाई? कहाँ पर है ये? तो जेम्स बॉन्ड वाली टोपी पहन के यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये देख ये देख, अरे ट्रेजर हंटिंग कर रहा है हंटिंग वाली जॉब। यहाँ पर तो ट्रेजर हंटिंग वाली जॉब चल रही है। ये देख कैसे मेरे को कैसे बुला रहा है, मेरे को कैसे बुला रहा है। अंदर आओ कैसे चिकन पड़े हुए हैं मोटे मोटे। और ये देखो भाई डायमंड का ओर इसने ऐसे ही रखा हुआ है। ओ भाई साहब ये लोग तो सीक्रेट अंडरग्राउंड चीजें कर रहे हैं यहाँ पर तो। आज देखते भाई सर्दी बेच क्या रहे हैं। अच्छा सिर्फ मेटल डिटेक्टर है वो भी 500 रुपए का। ओके एक काम करते हैं हमें ना नेक्स्ट वाले आइलैंड के ऊपर अभी नहीं जाना, सबसे पहले हमें वो जो फ्रीज किया हुआ बंदा है ना सबसे पहले उसको बचाना है, नहीं तो वो फ्रीज होता है वो तो पूरा मर जाएगा वो बंदा तो। हाँ एकदम से सही है, चलो फिर चपाती भाई पीछे इसको पकड़ के आ जाओ। वैसे इसके ऊपर सिर्फ एक ही सीट है। और एक काम करते हैं अभी सीधा चलते हैं वहां पर केबल कार के पास। आजा 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 पीछे आजा पीछे आजा, लेट्स गो लेट्स गो। और कार यहीं पर ही है ना, ये देखो भाई पट्टी यहां पर बनी हुई है। तो अभी अगर मैं बटन दबाऊं, अरे एक काम करो यहीं से ही व्यू ले लो भाई, यहां से देखो कि केव की एंट्री यहां पर कहां से जा रही है और कहां से निकल रही है। अरे हमें कॉर्ड बाइट लेके अंदर घुसना था मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक भाई भाई कॉर्ड बाइट वैसे यार काफी ज्यादा भारी है। और ये लकड़ी का बना हुआ है, कहाँ पर है? हाँ ये देखो भाई ये से लकड़ी का बना हुआ है। और भाई ये व्यू देख मैन कितना मस्त व्यू है यार यहाँ पर तो। व्यू तो मैं देख रहा हूँ एकदम से मस्त है। और भाई लिटरली कुंग फू पांडा वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है जब थाईलोंग नीचे से आता ना भाई। अरे वो फो यार ये लिफ्ट ना फो को लगा के था, वो बार बार सीढ़ियां चढ़ के चढ़ के परेशान हो चुका है वो। वही तो यार वही तो। ओके ये रहा वो सर्दी। और ये देखो भाई इसका बैग भी पड़ा हुआ है जो एक्चुअली जिंदा है ब्रो। वे व्हाट ब्लिंक किया अभी इसने मेरी स्क्रीन के ऊपर। अरे भाई मैंने अभी देखा। और भाई मैंने इसका बैग भी, मैंने इस बैग के अंदर हाथ मारा मुझे आउटफिट यहाँ पर मिली वो भी फ्री वाली, मतलब कि आउटफिट लेके भागो। ओके तो मेरे को लगता है गाइस बंदा जिंदा है तो इसके बचने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और ये क्या यहाँ पर बना हुआ है? I don't know, I think इसने यहाँ पर कुछ दिन सर्वाइव किया लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया वो। ये देखो भाई ये डेड टॉर्च यहाँ पर पड़ा हुआ है तो उससे क्या होता है? अरे भाई ऑब्वियसली डेड टॉर्च है तो बर्फ की वजह से यहाँ पर सारा वो खत्म हो गया भाई, उसकी आग यहाँ पर चली गई। और मे बी ये इसी बंदे का टॉर्च था यहाँ पे। और ऊपर देख क्या स्पाइक्स लगी हुई है ब्रो, चिल्लाइयो मत। तूने कार्टून नेटवर्क के ऊपर देखा है ना कि भाई जैसे चिल्लाते हैं पूरी स्पाइक्स नीचे गिर जाती हैं। और नीचे यहाँ पर टनल बना हुआ, वो भी तीन रास्ते बने हुए हैं। एक काम करते हैं, मैंने कभी राइट काम तो जिंदगी में किए नहीं है तो एक काम करता लेफ्ट में चलते हैं ठीक है। अरे एक काम करता है पहले बंदे को बचाते हैं। और ये देखो यहाँ पर सीक्रेट कोड भी बना हुआ है, बंदे को बचाने का यही रास्ता हो सकता है ना यार। अरे बर्फ के ऊपर सीक्रेट कोड बना हुआ, ये देखो। अच्छा कोड नहीं, वो बोल रहा है कि मशीन कैसे यूज करनी है ये। रुको मैं तेरे को पुश करता हूँ नीचे, लेट्स गो ठीक है ना। अरे एक मिनट भाई पहले इसका मुंह मुझे यहाँ पर मोड़ने तो दो ना। तो पहले मुंह को तो छोड़, पहले तुरा बंदा मोड़ गया यहाँ पर। okay, काम कर बतख मेरे छोटे सी आजा हुआ यहाँ पे। अबे पैदल चलते हैं ना, आजा ये देख तेरी वो लेट्स गो। मैंने तो पकड़ ली भाई, मैंने तो यहाँ पर खिलौना भी पकड़ लिया। और मैं जाऊंगा सीधा मिडिल वाले रस्ते के अंदर और लेट्स गो। यूं ऊपर में चढ़ा दियो ओए भाई साहब, मैंने सारी आइस तोड़ दी है भाई। सीरियसली मशीन मुझे पीछे छोड़ के चली गई। और अच्छा सारे रास्ते एक ही जगह पे जा रहे हैं। चपाती भाई आप किधर रह गए? ओ भाई अरे नीचे पेंगुइन्स है भाई यहाँ पे। सीरियसली भाई अब छोटी सी पेंगुइन सिटी बनी हुई है। चपाती भाई नीचे आओ। अरे हमने अंडरग्राउंड सिटी खोज के रख ली है, मतलब कि हमारा मिशन था आज की वीडियो में बंदे को बचाना, लेकिन बंदे को मारते हैं गोली पहले पेंगुइन्स को बचाओ। अरे बहुत लंबा रास्ता यार यहाँ पर तो। ये देखो इसके नीचे और भी रास्ते बने हुए हैं, सीक्रेट टनल्स यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इनको हम बाद में देखेंगे। पहले मुझे देखना है कि यहाँ पर ये जो पेंगुइन्स ने यहाँ पर बना के रखा है ये एक्चुअली है क्या यहाँ पे। मेरे को तो लगता है कि पेंगुइन्स हमको यहाँ पर गधा बना रहे हैं। ये देखो भाई इनका छोटा सा फुटबॉल कोर्स भी यहाँ पर बना हुआ है और इसके ऊपर बटन भी लगा है। जो चपाती भाई जरा बटन खींच के देखते हैं कहाँ पर है तू। ये देखो भाई यहाँ पर गेम चल रही है, तो अभी अगर मैं बटन दबा के देखूं। अच्छा आइस हॉकी चल रही है यहाँ पे। वो देख इन लोगों ने पूरी शॉपे बना कर रखी है पीछे। ये देख ये वाला सर जी हॉकी स्टिक बेच रहा है और ये वाला पिकैक्स दे रहा है हमें। कहाँ पर है ये देखो भाई ये ड्रिल। भाई हम यहाँ से ड्रिल भी ले सकते हैं।
क्या बात कर रहा है यार। आई थिंक लॉगी में समझ गया, मे बी हमको यहाँ से चीजें बाय करके, अरे होवरक्राफ्ट बेच रहा, अच्छा यहाँ पर कोई है नहीं दुकान के अंदर। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ से हम ये पेक्स वगैरह ये चीजें बाय करके मे बी उसकी आइस हम पिघला सकते हैं। अरे इधर आओ, ये देखो जो स्टार्ट में यहाँ पर बना हुआ है ना, ये देखो इसके नीचे और भी छेद यहाँ पर बने हुए हैं, तो नीचे और भी ज्यादा रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं, जाके देखें क्या। और भाई मुझे तो एक्चुअली पता नहीं कि नीचे जाना चाहिए या नहीं, ये देखो एक रास्ता यहाँ पर बना है, एक रास्ता वहाँ सामने भी बना हुआ है, और इसके ऊपर वार्निंग साइन भी बना हुआ है। ये देखो ये येलो साइन देख रहे हो ना, हर जगह सारे तो वार्निंग साइन। लेट्स गो, अब चले गए क्या? चलो भाई मैं भी फिर यहाँ पर रास्ता पकड़ लेता हूँ अपना। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओह माय गॉड, सारे एक ही रास्ते पे जा रहे हैं ये, यहाँ पे ये वाला तो गोल गोल यहाँ पर जा रहा है। खतरनाक भाई, मैं तो पूरा स्लाइड करके नीचे जा रहा हूँ यार, एकदम बढ़िया। तो गाइस नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो पैदल जा रहा हूँ आइस के ऊपर। और ये कितना दूर है भाई, यहाँ पर कितना डीप यहाँ पर बना हुआ है। ओ भाई नीचे मत आइए, लगे मैं तो आ रहा हूँ भाई, मैं तो ऑलरेडी आ रहा हूँ। और वो लोगों ने पूरा ब्रो नीचे पूरा ब्लैक होल बना के रखा। ओ तेरे व्हाट, ब्लैक होल कैसे बना हुआ है? और ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? और यहाँ पर और मुझे सीक्रेट रास्ता एक और मिला यहाँ पे। कहाँ पर है तू? यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा है डेंजर, लेकिन आई थिंक इसके भाई ये सारा यहाँ पर ब्लॉक्ड है पत्थरों से, तो आई थिंक हमें पिकैक्स लेकर आनी चाहिए थी यहाँ पर नीचे, और पत्थर को हमें यहाँ पर तोड़ना था। तो फिलहाल मेरे पास पिकैक्स तो है नहीं, तो एक काम करते इसी रास्ते को मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ। और ओ अरे ये कौन सा होल है ओए? वो मैं नीचे गिर गया भाई, सब मुझे गिफ्ट भी मिला। क्या कर रहा है भाई? पता नहीं भाई मैं यहाँ पर कहाँ आ गया और आगे क्या बना है। I don't know भाई, मैं आगे गया वेन्यू। ओ अच्छा तो ये रहा वो केव। ओके तो मतलब कि इस केव के अंदर पेंगुइन सिटी है भाई, हमको तो पता भी नहीं था यार, एकदम से सीक्रेट है यार। एक काम करते हैं इसको हम पूरा यहाँ पर कभी फिर एक्सप्लोर करेंगे, अभी हमें फिर से जाना है ऊपर और उस सरजी को यहाँ पर बचाना है, वो कब से हमारी वेट कर रहा है यहाँ पे। रुक जा पहले इस वाली टॉर्च ना, ये वाली टॉर्च ऑन करते हैं, इधर इधर लेके इसको भाई, ये चेक करना कि एक्चुअली टॉर्च ये वाली ऑन होती है कि ये इसकी दूध की बोतल है भाई, ये टॉर्च नहीं है ये। एक मिनट भाई जरा मैं इसके पास पकड़ू तो नहीं चल रहा भाई, यही ये वाली ना भुज जाए यहाँ पे। अरे भाई इसकी दूध की बोतल है, टॉर्च नहीं है, नुबड़ा बंदा। अच्छा ओके। और अरे भाई मेरी आइस पिक दिलवा दी भाई यहाँ पे। अरे बंदा मार रहा है चुपाली भाई, कैसा है? लेट्स गो भाई, लिटरली पूरा जम चुका है भाई। कैसे काम के बोल रहा है भाई यहाँ पर, ये बोल रहा है कहाँ जा रहा है? अच्छा भाग गया तेरी, हमने इसको बचाया और ये भाग गया। और भाग गया यार, और लेट्स गो, हमें भाई यहाँ पर आइस वाली आउटफिट मिली भाई साहब। आई थिंक लॉगी ये भूता जैसे बाहर निकला बंदा गायब गया। अरे यार मैं पहाड़ से नीचे गिर गया ब्रो, जैसे ये बंदा बाहर निकला ना गायब हो गया बंदा भाई। यहाँ पर कुछ ना कुछ फसाद की जड़ है, रुक मैं चॉपर लेके नीचे आ जाऊं तेरे को बचाने के लिए, ठीक है ना? लेकिन चलो कोई बात नहीं, और इसी के साथ ही हमने यहाँ पर सरजी को बचा लिया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।